तो गाइज अगर आप लोगों ने RC22 खेले और उसमें एक्सपर्ट मोड ट्राई किया है तो गाइज आप लोगों को बॉलर्स का दर्द पता होगा, क्योंकि RC22 के एक्सपर्ट मोड में बैट्समैन को आउट करना लगभग नामुमकिन की तरह होता है। गाइज कितनी भी बॉलिंग कर लो बैट्समैन जल्दी आउट ही नहीं होता। लेकिन 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 ऐसा कब तक चलता गाइज? 2023 आ चुका है और साल के पहले दिन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एकदम तबाही वाली बॉलिंग ट्रिक। इस बॉलिंग ट्रिक से आप बैट्समैन को बहुत ही आसानी से आउट भी कर सकते हो और साथ ही साथ आपको ज्यादा रन्स भी नहीं पड़ेंगे। ये बॉलिंग ट्रिक आप इस गेम के किसी भी मोड में यूज कर सकते हो, चाहे वो इजी, मीडियम, हार्ड, एक्सपर्ट या हार्डकोर। भाई ये पांचों मोड्स में वर्क करती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस 2022 तो जा चुका है लेकिन 2023 के पहले महीने में ही हमें 1,00,000 सब्सक्राइबर्स करने, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स का ध्यान देना होगा। तो डिफिकल्टी तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 20 ओवर का मैच खेलने वाला हूं और ग्रीन पिच होने वाली है और नाइट मैच होगा। गाइस यार मजा आने वाला है। तो गाइज इस बॉलिंग ट्रिक का सेकंड स्टेप है टीम सिलेक्शन, जिसका मतलब है कि आपको टीम में कौन से बॉलर्स रखने हैं। तो ये एक फास्ट बॉलिंग ट्रिक होने वाली है, इसलिए आपको अपनी टीम में मिनिमम 3 फास्ट बॉलर्स तो रखने ही हैं। और मैंने गाइज अपनी टीम में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ एक ऑलराउंडर रखा है और वो भी फास्ट बॉलिंग ही करता है। तो गाइज इस बॉलिंग ट्रिक का थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बिना ये बॉलिंग ट्रिक वर्क नहीं करने वाली, जो कि होने वाला है फील्ड सेटअप। तो स्क्रीन पे आपको फील्ड सेटअप दिख रहा है, जिसमें 2 फील्डर्स को मैंने बाउंड्री के पास लगाया लेग साइड में और 3 फील्डर्स लेग साइड में 30 yard सर्कल की लाइन के ऊपर है और 2 फील्डर्स को मैंने कैचिंग पोजिशन पे लगाया, वो भी लेग साइड में ही है। 1 फील्डर मैंने गली पोजिशन पे लगाया जो कि 30 yard सर्कल के अंदर है और 1 मिड ऑफ पे। तो गाइज हमारा फोर्थ स्टेप होने वाला है कि हमें किस साइड से बॉलिंग करनी है, मतलब बॉलिंग साइड। अगर आपके सामने राइट हैंड बैट्समैन है तो आपको अंपायर के राइट साइड से बॉलिंग करनी है, और अगर आपके सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो अंपायर के लेफ्ट साइड से बॉलिंग करनी है। तो गाइज ये इस बॉलिंग ट्रिक का लास्ट स्टेप है और इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। तो गाइज सबसे पहले हमें ध्यान देना है बॉल के टप्पे का। बॉल की पिचिंग एकदम बैट्समैन के पैरों से थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए और स्विंग की डायरेक्शन आपको विकेट की तरफ रखनी है, क्योंकि बैट्समैन अगर रिवर्स करके खेलता है तो बॉल सीधा विकेट्स पे जाके लगे। और बॉल की स्पीड आपको स्लो नहीं रखनी है, जितनी ज्यादा फास्ट आप लोग रख सकते हो आपको उतनी ज्यादा विकेट्स मिलेंगी। तो गाइज ये थे सारे बॉलिंग ट्रिक के स्टेप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।